तो हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है लक्की और आपका माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अब आपको पहले भी एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने जब मेरा बोया का नया जो बोया BYMM माइक जो मैंने लिया था उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं जो पहले से ही कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्राइम बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आप असली और जो फेक रियल और फेक जो बोया माइक आते हैं उसको आप जो कैसे पहचान सकते हो, कैसे एक फेक बोया माइक को आप जो पहचान सकते हो। हम जब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन से फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से कोई अगर जो है हमारे प्रोडक्ट बोया माइक को जो हम लेते हैं तो शायद हमें को फेक आने की कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आप भी गए तो उसको हम जो कैसे पहचान सकते हो, और अगर हम उसको ऑफलाइन वही माइक ले तो हमें 99% हमें जो फेक बोया माइक जो है लेने की जो चांस हमें जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा किस तरह से जो है एक फेक बोया माइक को आप जो है पहचान सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिए। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नया नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाइए, जाके फॉलो कर दीजिए, वहाँ भी मैं से टेक्स लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बोया माइक को चेक करने के लिए सबसे पहले तो अपने हमको अपना जो है क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लेना होगा। अब देख सकते हो मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। तो अब यहाँ से हमें जो है वो हमें यहाँ पर जो है जो मैं जो है सर्च करता हूँ, वो आपको सर्च करना है बोया माइक चेक। आप यहाँ देख सकते हो नीचे आ चुका है, हमें इस पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद मैं इसको जो डेस्कटॉप साइड से हटा देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो हमें जो पहला वाला आता है सिक्योरिटी कोड वायरलेस माइक्रोफोन बोया माइक .com, इस पर नहीं। हमें जो दूसरा वाला है बोया माइक सिक्योरिटी कोड वायरलेस माइक्रोफोन बोया, इस पर जो हमें क्लिक कर देना है। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमें यहाँ पर बोलेगा एंटर योर सिक्योरिटी कोड, तो हमें यहाँ पर कौन सा कोड डालना है। जो हमारा बार कोड स्टिकर जो होता है हमारे बोया के माइक जो बॉक्स होता है उस पर जो हमें बार कोड स्टिकर दिया गया उसके ऊपर जो हमें 16 डिजिट का जो है कोड जो है देखने को मिलेगा, वहाँ वो हमें यहाँ पर जो है एंटर कर देना था। चलिए मैं वो कोड यहाँ पर जो है पहले एंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 16 डिजिट का जो है कोड यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर इंक्वायरी पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा लोड होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर जो रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा है जो इंटरफेस आ चुका है कि द सिक्योरिटी कोड यू हैव क्वेरीड हैज बीन क्वेरीड 3 times, यानी मैं जो पहली बार मैंने जब लिया था उसके बाद किया था, उसके बाद दूसरी बार मैंने आज ही किया था, तीसरी बार मैं अभी जो इसको कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने लास्ट कब किया था, 17 तारीख 8वां महीना 70 अगस्त 2020 में इसको जो है मैंने चेक किया था, यानी कल ही मैंने इसको चेक किया था, वो उसमें जो है दिखा रहा है। और यहाँ नीचे ये भी लिखा है कि अगर आपने जो बीवियर कंटेर फू, यानी अगर आपने जो इस तारीख को इसको चेक नहीं किया है तो आपको जो है रिफब्रिश जो माइक जो है देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसको जो नहीं रखना है तो आप इसको वापस भी भेज सकते हो। ये आप देख सकते हो यानी इसमें यहाँ पर लिखा, अगर आपने जो है वो इस माइक को इस दिन जो है इसको चेक नहीं किया है तो आप जो हमारी बोया की टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने माइक को पहचान सकते हो कि वो असली है या रियल है या फिर फेक है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, कुछ इस तरह से अपने फेक बोया माइक को जो है पहचान सकते हैं कि ये आपने जो बोया माइक खरीदा है ये रियल है या फेक है। तो इस तरह से आप अपने जो बोया माइक को पहचान सकते हैं कौन सा रियल है और कौन सा फेक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।